हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए फ़ोटो के साथ। अगर आप अपनी फ़ोटो इस तरह की बनाना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इसके लिए आपको चाहिए अपनी सिंपल सी फ़ोटो, कुछ इस तरह से खींची हुई, और ये दूसरी वाली फ़ोटो, और ये तीसरे नंबर की फ़ोटो। जो दूसरे और तीसरे नंबर की फ़ोटो है उसकी मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ये फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, जो पहली वाली इमेज है हमें उसकी बैकग्राउंड इरेज करनी है। चलिए बैकग्राउंड को इरेज करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ बैकग्राउंड इरेजर ऐप्स, उसमें लोड अ फोटो और फिर गैलरी, वहाँ से हम अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डन कर लेंगे। फिर जाएंगे यहाँ ऑटो और फिर बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से डन कर लेंगे, फिर सेव और फिनिश। अब जाएंगे गैलरी में, ये रही फोटो हमने जो बैकग्राउंड इरेज की। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जाएंगे यहाँ शेयर में, फिर जाएंगे यहाँ पिक्सआर्ट में। जैसे पिक्सआर्ट ओपन होता है हम जाएंगे यहाँ ड्रॉ में, फिर जाएंगे लेयर में और हमारी फोटो वाले लेयर सिलेक्ट करेंगे। फिर जाएंगे लेयर एक्शन, उसमें ट्रांसफर, फोटो को बीच में सेंटर में रख के यहाँ से डन कर लेंगे। दोबारा से डन करेंगे, फिर जाएंगे टूल्स में, टूल्स में हम जाएंगे स्ट्रेच में, फिर वॉक में जाके साइज सिलेक्ट कर लीजिए और फिर स्ट्रेच कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से डन कर लेंगे। फिर जाएंगे ड्रॉ में, उसमें जाएंगे ऐड ऑब्जेक्ट और फोटो, वहाँ से हम अपनी दूसरी वाली फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कहीं भी अपने डिस्प्ले पे टच कर लीजिए, जाए लेयर पैनल, फिर जाए ऐड लेयर और उसमें एम्प्टी लेयर, दोबारा से जाए ऐड ऑब्जेक्ट और उसमें फोटो, वहाँ से तीसरी वाली इमेज सिलेक्ट कर लीजिए और फिर डन कर लीजिए। फोटो की जैसे साइज थोड़ी बड़ी कर लेंगे, कहीं भी अपने डिस्प्ले पे टच कर लीजिए। दोस्तों, जो ये पहली वाली लेयर है उसे कॉपी कर लीजिए, जाएंगे लेयर एक्शन, उसमें कॉपी। अब पहली और दूसरी वाली लेयर को हाइड कर लेंगे। अब जाएंगे तीसरी वाली लेयर पे, उसकी ओपेसिटी 50% जितनी रख लेंगे। अपने फोटो को थोड़ा जूम इन करेंगे, जाएंगे लेयर एक्शन और उसमें ट्रांसफर। अब अपने फोटो की पोजीशन सेट करेंगे, सेट करने के बाद यहाँ से डन कर लें। फिर लेयर पैनल को यहाँ से क्लोज करें, जाए इरेजर में, इरेजर की साइज सेलेक्ट कर लें, फिर सेट कर लें। अब एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लें। फिर जाए लेयर में और फिर जो दूसरे नंबर की लेयर है उसे सिलेक्ट करके अनहाइड कर लो, तो उसकी ओपेसिटी 50% रख लो। फिर थोड़ा नीचे की तरफ जूम इन कीजिए, फिर जाए लेयर एक्शन और उसमें ट्रांसफर। यहाँ से डन कर लो, लेयर पैनल को क्लोज करें, अब एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करें।
दोबारा से जाए लेयर में, अब जाए पहली वाली लेयर पे, उसे अनहाइड करें, उसकी ओपेसिटी 50% जितनी रखे, जाए लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफर। सेट करने के बाद यहाँ से डन कर लें, फिर लेयर पैनल को क्लोज करें और एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लें। ठीक है, दोबारा से जाएंगे लेयर में, अब तीसरे नंबर की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसकी ओपेसिटी 100% रख लेंगे, दूसरी वाली लेयर पे जाएंगे, उसकी ओपेसिटी 100% कर लेंगे, पहली वाली लेयर पे जाएंगे, उसकी भी ओपेसिटी 100% कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे लेयर एक्शन और फिर मर्ज, दोबारा से जाएंगे लेयर एक्शन और फिर मर्ज। अब हम जाएंगे नॉर्मल, वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लाइट। लाइट सिलेक्ट करने के बाद लेयर पैनल को क्लोज करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करने के बाद दोबारा से जाएंगे लेयर में और अब दूसरी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, लेयर पैनल को क्लोज करेंगे, जाएंगे यहाँ कलर्स में, वहाँ से वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से डन कर लेंगे। अब ब्रश की साइज सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेट कर लें, अब कलर कर लें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से डन कर ले, फिर जाए यहाँ इफेक्ट में, फिर वहाँ पे जाइए आर्टिस्ट और फिर उसमें जाए फेटल टू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डन कर ले, फिर यहाँ से डन करे और फिर गैलरी, फोटो सेव हो चुकी है।